भगवतपुर विकासखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने रिबन काटकर और गाय की पूजा कर मेले का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य पशु मेला का मुख्य उद्देश्य जनपद में पशुपालकों को हो रही किसी भी तरह की समस्या से निजात दिलाने और पशुओं की किसी भी तरह की बीमारी और छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए किया गया। इस मेले में विकासखंड भगवतपुर के ग्रामों सहित जनपद प्रयागराज और कौशाम्बी के पशुपालकों ने अपने पालतू पशुओं गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते आदि को लाकर उनका टीका और ऑपरेशन कराया और पशुपालन संबंधी जानकारियां प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मेले में आए हुए समस्त क्षेत्रवासियों और पशुपालकों को अपने संबोधन में खुद पर विश्वास बनाए रखने और भगवतपुर विकासखंड और शहर पश्चिमी क्षेत्र के विकास को धीरे धीरे विकसित करने का खाका किस तरह उन्होंने तैयार किया उस पर प्रकाश डाला गया। मंत्री ने कहा, चुनाव के पूर्व उन्होंने जो भी क्षेत्रवासियों से वादा किया था वो उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं रहने देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह भगवतपुर को विकास खंड बनाया और निकट में एयरपोर्ट की व्यवस्था यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया। मगर अभी खरीदा नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा ये मानना है कि लोगों की आमदनी है, इस आमदनी से बहुत बड़ा व्यापार भी है ऊल का। ये हो नहीं सकता कि ऊल जो आजकल सिंथेटिक बनने लगा है, हम लोगों को अब सिंथेटिक ऊल लेकर स्वेटर कंबल बनवाने पड़ रहे हैं और हमें ये ऊल मिले, मगर इस ऊल की विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो सकती है। क्वालिटी अच्छी हो और सरकार की योजना हो और आप मेरे पास स्वयं आ सकते, आइए मुझे बताइए जिस विभाग से करना है, ना तो मैं अपने ही जो एक मेरे पास 7 विभाग में से एक विभाग जो है खादी का, मैं उसी के अंदर योजना बनवा दूंगा और इन लोगों का ऊन लेकर हम लोग एक सेंटर क्लस्टर बनवाएंगे, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग करवाऊंगा। रामलोचन जी आप बैठे हो, सुन रहे हो ना मेरी बात, तो इस विषय पे थोड़ा ध्यान देंगे आप और अपने जो DIC है उनको बुलाइए। और बिमले जी, आगे से जब मैं निकला करूँ ना तो कृपा करके मेरा जो अधिकारी है मेरे साथ चलेगा, इतनी छूट नहीं दी है मैंने किसी को अभी अधिकारियों को, वो चलने चाहिए मेरे साथ, कि घर पे बैठने के लिए नहीं है, मंत्री निकला हुआ काम करने के लिए।